नजर चाहे मशरिक और मगरिब चर्चा है मशरिक और मगरिब में। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम सदाए वतन में आपका खैर मकदम है। आज की मजलिस में हम उर्दू के अजीम कौमी शायर, अदीब और नक्काद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की शख्सियत, शायरी और इल्मी खिदमात से रूबरू होंगे। नाजरीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपने मिजाज और अपनी खसूसियात के एतबार से दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। ये सरजमीन सदियों से मुख्तलिफ मज़हबों, ज़बानों और तहजीबों का गहवारा रही है। हमारी मिली जुली मुश्तरका तहजीब हमारा सबसे कीमती सरमाया है। उर्दू ज़बान इसी मुश्तरका तहजीब की आवाज़ है। गालिब जैसा शायर तमन्नाई है इस मुल्क की कसरत में वहदत के लिए, किस बात का के है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए जी। और उन्हीं के हम असर इब्राहिम ज़ौक इस मुल्क की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सकाफ़ती और तहजीबी रंगा रंगी है, उस पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, ये ज़ौक इस जहां को है ज़ेब इख्तलाफ से। ये वो तसव्वुर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, अनेकता में एकता का जी, जो बाद में पंडित जी ने, नेहरू ने, गांधी ने, आज़ाद ने, अम्बेडकर ने जिसको परवान चढ़ाया और हमारे कौमी फलसफे की शक्ल और सूरत अता की। तो ये इस ज़बान की खूबी है। और उर्दू का कोई तसव्वुर जो है आप इसके अलावा कर ही नहीं सकते। नाजरीन, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अपने पुरखलूस वतनी जज्बे का इजहार जा बजा अपनी शायरी में किया है। पेश है उनकी नज्म हुब्बे वतन, मशहूर गुलकारा अनुजा की आवाज़ में। ए मेरे बहिश्ते बरी,
दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में, उर्दू के इस अजीम मुहब्ब कौम वतन शायर, मुफक्किर और दानिश्वर की पैदाइश हिंदुस्तान के कदीम तारीख़ी शहर पानीपत में 1837 में हुई। पानीपत की सरजमीन हमारे हज़ारों साल की तारीख और तमद्दुन की गवाह है। नाजरीन, दूर दूर तक फैले हुए कदीम मकबरे, दरगाहें, बागात, किले, तालाब, पुराने इबादतगाहें और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपति का आस्ताना कई सदियों से मोहब्बत और रूहानियत की रोशनी से दिलों को मुनव्वर कर रहा है। मौलाना हाली ने इस सरजमी में आँख खोली, यहीं पले बढ़े। 17 साल की उम्र में इल्म की प्यास उन्हें देहली ले गई। वो दौर उर्दू जबान और शायरी का शानदार दौर था। जब लाल किले में बादशाह जफर का दरबार सजा हुआ था और मिर्जा गालिब और उनके हमअस्र शोरा की धूम मची हुई थी, और वही ज़माना था जब पहली जंग आज़ादी बरपा हुई। इस लड़ाई में सिर्फ लाखों जानें ही नहीं गईं, शहर और बस्तियां ही तबाह नहीं हुईं, बल्कि एक तहजीबी ढांचा ही टूट गया। आइए सुनते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नज़्म, देहली मरहूम, जिसे पेश कर रहे हैं शर्फ नानपारवी। तस्किरा देहली मरहूम का दोस्त न छे, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज। दास्तां गुल की खिजा में न सुना ए बुलबुल, हंसते हंसते हमें जालिम न रुलाना हरगिज। ढूंढता है दिल शोरीदा बहाने मुतरिब, दर्द अंगेज गजल कोई न गाना हरगिज। सोबतें अगली मुसव्विर हमें याद आएंगी, कोई दिलचस्प मुरक्का न दिखाना हरगिज। मौजज़न दिल में है या खून के दरियाए चश्म, देखना अब्र से आँखें न चुराना हरगिज। लेके दागाएगा सीने पे बहुत ऐसैया, देख इस शहर के खंडरों में न जाना हरगिज। चप्पे चप्पे पे हया गौ हर एक तह खाक, दफन होगा कहीं इतना न खजाना हरगिज। मिट गए तेरे मिटाने के निशान तक अब तो, ऐ फलक इससे ज़्यादा न मिटाना हरगिज। वो तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भूल गए, ऐसा बदला है न बदलेगा ज़माना हरगिज। जिसको ज़ख्मों से हवादिस के अछूता समझें, नजर आता नहीं एक ऐसा घराना हरगिज। हमको गर तूने रुलाया तो रुलाया है चख, हमको गर तूने रुलाया तो रुलाया है चख। हम बगैरों को तो जालिम न हसाना हरगिज। यार खुद रोएंगे क्या इन पे जहां रोता है, उनकी हस्ती हुई शक्लों पे न जाना हरगिज। आखिरी दौर में भी तुझको कसम है साकी, आखिरी दौर में भी तुझको कसम है साकी। भर के एक जाम न प्यासों को पिलाना हरगिज। वक्त सोए हैं बहुत जाग के ऐ दौरे जमा, ना भी नींद के मारों को जगाना हरगिज। यहाँ से रुखसत हो सवेरे कहीं ऐशो निशात, नहीं इस दौर में यहाँ तेरा ठिकाना हरगिज। कभी ऐ इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली, कभी ऐ इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली। हमको भूले हो तो घर भूल न जाना हरगिज।
हमको भूले हो तो घर भूल न जाना हरगिज। शायरी मर चुकी अब जिंदा न होगी हरगिज, याद कर कर के इसे जीना कुढ़ाना हरगिज। गालिबो शिफ्तो नैयर आज़ुर दो ज़ौक, अब दिखाएगा ये शक्ल न ज़माना हरगिज। मोमिनो अलवियो सहबाई ओ ममनून के बाद, शेर का नाम न लेगा कोई दाना हरगिज। कर दिया मर के अगानों ने अगाना हमको, कर दिया मर के अगानों ने अगाना हमको, वरना यहाँ कोई न था हम में अगाना हरगिज, वरना यहाँ कोई न था हम में अगाना हरगिज। अल्ताफ़ हुसैन हाली भी 1875 में लाहौर में पहुँचे तो वहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ उन्होंने उन मुशायरों में जिसमें नज़में पढ़ी गई थीं खुद भी नज़में पढ़ीं, ऐसी नज़में जिसमें मनाज़िर कुदरत भी थे और हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक उनकी शायरी थी। उनकी एक बहुत तवील नज़म है हुब्बे वतन, उसमें उन्होंने तारीख़ी पस मंज़र में हिंदुस्तान की तारीख़ और अंग्रेज़ों के साम्राज्यत तक नज़म किया है और यहाँ के बाशिंदों को मुतवज्जे किया कि वतन से मोहब्बत करना जो है वो निस ईमान की अलामत है। नाज़रीन, हाल ही ने इस नए माहौल में बेपनाह तख्लीकी और इल्मी सलाहियतों के ज़रिए अपनी पहचान बनाई। पहले वो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता की सोहबत में रहे। हाल ही के जहन पर शेफ्ता की शायरी का बहुत असर पड़ा। शेफ्ता अपने कलाम में मुबालगा आरई के बजाय सीधी सच्ची बातें नज़म करते थे। यही अंदाज़ हाल ही ने अपनाया जिसने आगे चलकर उन्हें जदीद नज़म का बहुत बड़ा शायर बना दिया। शेफ्ता के साथ 8 बरस रहने के बाद हाली लाहौर चले गए। वहाँ गवर्नमेंट बुक डिपो में नौकरी मिल गई। बुक डिपो में उर्दू में तर्जुमा की हुई किताबों की तसी का काम सुपुर्द हुआ। इससे उन्हें अंग्रेज़ी अदब से वाकफियत का मौका मिला। इसी वजह से हाली की तबीयत पर मगरबी ख्यालात का काफ़ी असर पड़ा। तो साहब, हाली लाहौर में जदीद शायरी की उस अंजुमन में शामिल हो गए जिसकी बुनियाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने डाली थी। उन्होंने बरखारुत, निशात उम्मीद, मनाजराए रहम इंसाफ, हुब वतन जैसी बहुत खूबसूरत नज़में लिखीं। उनका सबसे बड़ा कारनामा उनका शाहकार मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1857 के बाद तबाह हो चुकी मुस्लिम कौम को बेदारी और तरक्की के लिए सर सैद के साथ हो गए और अपनी शायरी और कलम की ताकत से सर सैद की तारीख साज तालीमी बेदारी के तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। नाज़रीन, हाली मगरबी अंदाज़े हुकूमत के रास्ते से मुल्क व कौम की तरक्की चाहते थे, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा उनके अंदर कम नहीं था। आइए सुनते हैं हाली की नज़्म आज़ादी की कद्र। पेश कर रहे हैं मशहूर गुलकार अक्षय नागर। एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, कदरदा उनसे बहुत बढ़कर है आज़ादी के हम। एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा आज़ादी जिन्हें।
हम के गैरों के सदा महकूम रहते आए हैं, हम के गैरों के सदा महकूम रहते आए हैं। पदर आजादी की जितनी हमको हो उतनी है कम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें। आफियत की कदर होती है मुसीबत में सिवा, आफियत की कदर होती है मुसीबत में सिवा। बेनवा को है ज्यादा कदरे दीनारों दिरहम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने तर्रफुल अशियाए बिल अजदाद है कौले हकीम, तर्रफुल अशियाए बिल अजदाद है कौले हकीम। देगा कैदी से ज्यादा कौन आजादी पे दम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने आजाद ने यह लाफ चुपके से कहा, सुन के एक आजाद ने यह लाफ चुपके से कहा। है सकर मोरी के कीड़े के लिए वागेरम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें। कदरदा उनसे बहुत बढ़कर है आजादी के हम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आजादी जिन्हें। नाज़रीन, सदाए वतन के ये प्रोग्राम आज यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।